अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छा पकाएं और खिलाएं। आज मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल जबरदस्त मजेदार सी रेसिपी लेके आई हूं। इसको जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। आज मैं बना रही हूँ व्हाइट चिकन कढ़ाई, जिसके लिए मैंने चिकन ली है 750 ग्राम, 3 पाव, और मैंने इसमें हरी मिर्चें ली हैं 7-8, 5 कलियां लहसुन की ली हैं, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1 टीस्पून नमक और 3-4 टेबलस्पून इसमें ऑयल के जाएंगे। ये मैंने आपको पहला स्टेप बताया है, अब मैं आपको दूसरा स्टेप बताऊंगी। इसमें मैंने दूसरे स्टेप में मैंने 1 कप दही ली है और उसके अंदर ये सारे मसाले जाएंगे। 1/2 टीस्पून सफेद मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा और 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया। अगर आपके पास सफेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें। मैं सारे मसाले आपको दोबारा बता दूं, 1/2 टीस्पून सफेद मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून पिसा सूखा धनिया। ये सारे मसाले दही के अंदर डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और एक तरफ रख दूंगी। अब मैं इसके बाद आपको तीसरा स्टेप बताऊंगी। तीसरे स्टेप में मैंने क्रीम, अदरक, हरी मिर्च, गरम मसाला और नींबू का रस लिया है। मैं आपको पहले से इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता चल जाए इसमें क्या क्या जाएगा। इसमें मैंने क्रीम ली है 4 टेबलस्पून, नींबू का रस लिया है 1 टेबलस्पून, गरम मसाला लिया है 1/2 टीस्पून और हरी मिर्चें और अदरक ली हैं। 4 हरी मिर्चें हैं और अदरक 2 इंच का टुकड़ा लिया है, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। मैंने पतीली गर्म होने के लिए रख दी थी। अब मैं इसके अंदर ऑयल डाल दिया मैंने और अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ और इसको अच्छा सा फ्राई करूंगी जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। अच्छा सा इसको भूनूंगी, फ्राई करूंगी, जब चिकन का कलर सफेदी माइल हो जाएगा तो फिर मैं इसमें लहसुन अदरक और जो हरी मिर्चें मैंने आपको बताई थी, 4-5 कलियां लहसुन की और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और हरी मिर्चें जो मैंने आपको बताई थी, उन तीनों का मैंने पेस्ट बना लिया। हरी मिर्चें जो मैंने ली थी उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी 1 टीस्पून और हरी मिर्चों और लहसुन अदरक को मैंने इकट्ठा पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसमें वो डाल दूंगी जो मैंने आपको पहले स्टेप में चिकन के साथ चीजें बताई थी, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक, उन तीनों को एक साथ मैंने डाल के ग्राइंड कर लिया है। अब वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक के 7-8 मिनट के लिए पकाऊंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ओहो, एक बोटी मेरी नीचे चली गई, ये मेरी बिल्ली के काम आएगी, बिल्ली के मजे आ गए। अब इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई करूंगी और ढक के 7-8 मिनट के लिए पकाऊंगी। 7-8 मिनट हो चुके हैं, अब मेरे नेक्स्ट स्टेप का टाइम आ गया है। जो मैंने दही के अंदर मसाले डाले थे अब वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। दही के अंदर मैंने 1/2 टीस्पून सफेद मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया डाला था, वो सब चीजें मिक्स करके रख दी थी। अब वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और फिर मैं इसको कवर करके पानी ड्राई होने तक और जब तक चिकन गल जाए तब तक के लिए मैं इसको पकाऊंगी ढकने के बाद। ये बहुत आसान सिंपल रेसिपी है और बहुत मजे की है, बहुत जबरदस्त है। आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा ताकि हम लोग रابطे में रहें और मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अब मैं इसको पानी खुश्क होने और गलने तक पकाऊंगी। अब मैं इसको चेक करती हूँ, पानी खुश्क हो चुका है और मैंने चिकन को भी चेक कर लूंगी कि चिकन गल गई है। तो मैं इसमें जो थर्ड स्टेप की चीजें मैंने आपको बताई थी वो मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें मैंने क्रीम ली है 4 टेबलस्पून, आप इसमें टेट्रा पैक की क्रीम भी डाल सकते हैं और आप इसमें घर के फ्रेश दूध की जो पलाई होती है वो भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें नींबू का रस डालूंगी 1 टेबलस्पून। अब मैं इसके अंदर गरम मसाला डालूंगी 1/2 टीस्पून, 4 छोटे साइज की हरी मिर्चें हैं और अदरक का एक टुकड़ा है, उसको बारीक चॉप कर लिया है, जूलियन कट काट लिया है, बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया है, वो मैंने डाल दिया है। छोटे साइज की हरी मिर्चें हैं, मैंने 4 डाली हैं, अगर बड़ी हो तो आप 2 से 3 डाल लीजिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और फिर इसको ढक के सिर्फ 1 मिनट के लिए हल्की आंच पे पका लीजिए और
जबरदस्ती झटपट सी क्विक सी आसान सी मजेदार सी चिकन व्हाइट कढ़ाई तैयार है। बहुत कम मसाले जाते हैं इसमें और बहुत कम टाइम में बनती है, बहुत मजे की बनती है। आप इसको रमजान की दावतों में बनाएं, इसको ईद पे बनाएं, घर पे कोई भी पार्टी है दावत है उसमें बनाएं, वीकेंड्स पे अपनी फैमिली के लिए घर वालों के लिए बनाएं। अब इसको ढक के एक मिनट पकाऊंगी। मजेदार सी जबरदस्त सी व्हाइट चिकन कढ़ाई तैयार है। अब मैं चूल्हे की आंच बंद कर दूंगी। ये तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितने कम टाइम में कितने कम इंग्रेडिएंट्स में सारी चीजें आपके घर पे अवेलेबल होती हैं, उसमें ये तैयार हो जाती है। आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा और मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मजे की बनती है, बहुत जल्दी बनती है, बहुत आसान रेसिपी है और बहुत झटपट रेसिपी है और ये आपकी दावतों को, ईद को, इफ्तार पार्टीज को और जो भी आपके घर में तकरीब हो, दावत हो, पार्टी हो, उसको चार चांद लगा देगी और आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी बना सकते हैं इसको। इसको बनाएं, अपने घर वालों को, दावतों में, मेहमानों को, सबको खिलाएं, सबकी दुआएं लें और आपको पसंद आए तो मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।